इनकलाब आने वाली है, लोग बहुत नाराज हैं, लोग इसी वडेरे सिस्टम के साथ फेड अप हैं, लोग ये नहीं चाहते हैं फ्यूडलिज्म, सरमायादार, ये चीज़ें नहीं चाहते हैं। We need radical reforms, but our politicians will not give us radical reforms because we have spent the last 75 years dancing between feudalism and capitalism. There is no space for social reform. In terms of the lands that we have, तकरीबन सारे तो डूब चुके हैं और हमारे हारी के घर भी गिरे हुए हैं. So of course we are always here for the people. We don't stop anyone at all, and we are doing our best to help. Government ko apne akhrajat kam karne padenge, aur isse hame hamare jo karze hum pe jo thope gaye hain, jo ki corruption ke zariye sara bahar chala gaya, jiski qeemat humko ada karni hai, jo qarz ki qistein hum de rahe hain na, wo hum pe nahi laga hai. फिर भी हम देने के लिए तैयार हैं. इसमें हमारी हुकूमत को, हमारे इदारों को कुर्बानी देनी होगी. इसके अलावा आप आवाम से इतने ज़्यादा टैक्सेस, इतने बिजली के बिल, लोग मर जाएंगे. इतने टैक्स, इतने बिल नहीं होते हैं. जिसके यूनिट 300 भी नहीं चलते, आप उनके घरों में 12-12 हज़ार रुपये के, 13-13 हज़ार रुपये के बिल भेज रहे हैं. ये नहीं हो सकेगा. हुकूमत को जो है वो होश का नाखून लेना चाहिए. इस वक्त अंदरून सिंध की, बल्कि पूरे सिंध की यह सूरत हाल है कि जो माइग्रेशन हो रही है, जो घर बच गए हैं उसमें एक नहीं चार चार फैमिलियों ने पनाह ली हुई है. स्कूलों में तो आप छोड़ दें, स्कूलों की तो अब वो अलग है, लेकिन जो लोग बच गए हैं, यहाँ पे बहुत से सिंध के लोग साथ ही मौजूद हैं, इनके घरों में भी तीन तीन चार चार खानदानों ने आके पनाह ली हुई है, और ये एक तनख्वाह से कब तक चल सकेंगे. क्राइम बहुत बढ़ जाएगा. लोगों, गवर्नमेंट को अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे. जितने भी पाकिस्तान के जो काम करने वाले हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, सोशल वर्कर्स हैं, ये जितने भी शहरों में ये जो महाजरीन आ रहे हैं, इनकी मदद करें, इनको सपोर्ट करें. कमिश्नर कराची जो है वो मुस्तकिल हमारे से रबते में है, और कराची के अंदर कई दर्जन कैंप्स में जो है वो सेटअप किए गए हैं. उनको खाने की भी ज़रूरत है, उनको चीज़ों की भी ज़रूरत है, वो पहुँचाएँ. ये इतने बड़े लेवल, इतने बड़े स्केल का जो है वो डिज़ास्टर है कि हर कोई, सब मिलके भी जो है वो कोशिश करें, तब भी हम जो है ना तमाम लोगों की मदद नहीं कर सकते. बहस में ना पड़े कौन ज़िम्मेदार है. नासिर ने कहा रियासत ज़िम्मेदार है, रियासत के तमाम एलिमेंट ज़िम्मेदार है. 2010 में जो फ्लड्स आए थे, मैं उस वक्त हुकूमत में था, मैं बहुत इन्वॉल्व था फ्लड मैनेजमेंट में. उस वक्त बहुत सारी हमने चीज़ें आइडेंटिफाई की थी कि क्या करना चाहिए अगले फ्लड से बचने के लिए. जब फ्लड ख़त्म हो गया, सब भूल गए, हम सब भूल गए, हम भी भूल गए, आप भी भूल गए कि क्या होगा. जब एक मुसीबत आती है तो हम सब जाग जाते हैं. जब वो वक्त गुजरता है 3-4 महीने के बाद, मेरा नहीं ख्याल है कि हम फ्लड के बारे में बात कर रहे होंगे. तो एक हमारी अपनी ज़िम्मेदारी ये है कि हुकूमत पर प्रेशर रखें कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हुआ फ्लड कंट्रोल के लिए वो तो बनाएं, और जो जहां रास्ते में आप इमारत बना देते हैं, रास्ते में पानी के रास्ते में बस्तियां बना देते हैं, वो रोकें. जब पानी के रास्ते में बनाएंगे तो डूबेगा. जो कसूर क्लाइमेट चेंज का नहीं है हमारा, है तो मेरा ख्याल है गवर्नेंस है, लेकिन बुनियादी तौर पर क्लाइमेट चेंज है. ये कराची में जो 2 दिन मुस्तकिल नॉन स्टॉप बारिश हुई है, ये किसी न रियासत की ज़िम्मेदारी है ना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, वो कुदरत का निज़ाम है जिसके तहत ये हुआ है. तो अभी मेरा ख्याल है इस वक्त हम ज़रा रिलीफ की तरफ जाएं, जो काम कर रहा है उनका हाथ बटाएं, चाहे गवर्नमेंट कर रही है तो गवर्नमेंट का हाथ बटाएं, और किसी को करें. डेडिकेटेड वॉलंटियर्स हैं, डेडिकेटेड एनजीओज हैं, उन पर से ये शर्त रजिस्ट्रेशन की ख़त्म की जाए, चैरिटीज एक्ट को सस्पेंड किया जाए टाइम पर. अगर ये फौज मैदान में नहीं आती है तो मैं नहीं समझता कि आर्मी रोल प्ले कर रही है. लेकिन इतने जगह जाना, लोकल से मिलना, उनसे बैठना, उनके मसाइल समझना, उनकी औरतों के मसाइल समझना, ये सिर्फ एनजीओस का काम था जो 2010 और 2005 में किया है. इतने स्ट्रक्चर्स खड़े किए हैं दरियाओं पे, और जो मेगा प्रोजेक्ट्स जो बनाए हैं उसने तबाही मचाई है. बलूचिस्तान के अंदर 26 से ज़्यादा डैम्स जो हैं वो गलत बने,
और उसका नतीजा आप ये देखिए कि सारे टूट गए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके अंदर पैसा खाया जाता है, मतलब लोगों की जिंदगियों के साथ भी खेला जाता है। तो स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल, और इसमें यह है कि इसमें इज अ क्रिमिनल इंटेलिजेंस फ्रॉम द स्टेट साइड। सो हम समझते हैं कि एनडीए में जो है इसको प्रो पीपल बनाना बहुत जरूरी है। इसके अंदर जिसको लोगों का एतमाद हो उसके अंदर उसको दो। जो ये जहाज भर भर के सामान आ रहा है, मेरा ये मुतालबा होगा कि इस सामान को प्रॉपरली और ट्रांसपेरेंट तरीके से उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो इसके हकदार हैं। इमदाद के नाम पर जो जिंसी हरासगी का सामना करना पड़ रहा है मुल्क भर में खवातीन को, वो भी जो है वो काबिले मुजम्मत है। इसी तरह इन खवातीन में लाखों औरतें ऐसी हैं कि जो प्रेग्नेंट हैं, और इन प्रेग्नेंट खवातीन जो हैं उनको फौरन जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। ये सिर्फ उन इलाकों की हम बात नहीं कर रहे। कल नूरुल हुदा शाह की अगर आप पोस्ट देखें तो उसमें बहुत वाज़े तौर पे उन्होंने लिखा कि रज़ाकाबाद जो कैंप है उसमें 10 से ज़्यादा हामला औरतें हैं कि जिनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। बेरोज़गारी बड़े पैमाने पर फैलने वाली है, तो फौरी तौर पर सोशल सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाए कि जब लोग बेरोजगार होंगे, ना उनके पास जमीन होगी ना कहीं अपनी जगह होगी, तो उनके लिए सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए जिसमें बेरोजगारी अलाउंस भी शामिल होना चाहिए। और इसकी बहुत, अभी यहाँ बात हो रही थी, बहुत आसान है, आप सिर्फ 10% जीडीपी का इधर डाइवर्ट कर दें, ये तीन चीजें तमाम शहरियों को फराहम की जा सके। मेहनत है, जितनी भी मेरे पास हिम्मत है मैं फ्लड रिलीफ में डालूंगा। फिलहाल मेरे कोई इरादा नहीं है सियासत में के आने में, मगर लोगों के मदद देने के लिए मैं तैयार। कि जो डेवेस्टेशन जो हुई है, जो तबाह हुई है, वो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसकी से स्केल इतनी बड़ी है कि हम अपने बड़े से भी पूछते हैं, जो 80 साल उम्र के लोग हैं, हम इनसे भी पूछते हैं कि अगर उन्होंने कभी ऐसे देखे हैं सैलाब, और वो सब कहते हैं कि ये फर्स्ट टाइम है इनकी लाइफ में जो दैट दे सीन सच अ फ्लड। और हमारा हुकूमत ऑलरेडी इकोनॉमिक इज ऑलरेडी इन एन इकोनॉमिकली वीक पोजीशन, सो एट दिस पॉइंट इट्स बिकम एवरी पर्सन एवरी विलेज एवरी कम्युनिटी फॉर देमसेल्व्स, एंड दिस इज अ टाइम फॉर अस एज पाकिस्तानीज टू रीबिल्ड आवर कंट्री। वी हैव टू लिटरली रीबिल्ड आवर कंट्री।